गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएस निरंकारी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास थ्री इंग्लिश बुक का चैप्टर टू। इसका नाम है लर्निंग टू लिव विद हैंडीकैप्स। हैंडीकैप्स का मतलब ऐसे लोग जिनके हाथ या पैर में या फिर दोनों में कोई खराबी है, जिनको चलने में या कुछ पकड़ने में लिखने में कोई परेशानी होती हो, यानी उसको अपंग हम कह सकते हैं, उनके साथ हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बिताएंगे, उनका सहयोग हम कैसे करेंगे, इसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। प्यारे बच्चों, हमारे समाज में कई तरह के लोग हैं जिनके साथ हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि किसे पता कल हमारे साथ क्या होने वाला है। तो कभी ईश्वर न करे हमारे साथ कुछ हो जाए, तो अगर कोई हमारे साथ हमारे दुख में अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो सोचिए कि हमें कितना खराब लगता है। तो शुरू करते हैं वह चैप्टर। वी समटाइम्स Do not see animals and humans that are handicapped with the same attitude. यानी कई बार हम देखते हैं बहुत सारे जानवरों को और मनुष्य को कि जो हैंडीकैप होते हैं यानी अपंग होते हैं, वो हमारी तरह से व्यवहार नहीं कर पाते हैं। They neither want us to look down upon them nor Do they need our sympathy? यानी कि ना वो ये पसंद करते हैं, ना ये चाहते हैं कि कोई उनसे घृणा करे, और ना ही उनको कोई सिंपैथी यानी हमदर्दी दिखाए, यानी वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। Read in the story how one handicapped understands the feelings of another. अब आइए इस चैप्टर में पढ़ के हम देखते हैं कि किस तरह से एक हैंडीकैप यानी अपंग है जो है जो दूसरे की भावनाओं को समझता है। तो नाउ द चैप्टर बिगिंस। अ लिटिल बॉय नेम एंड्रयू वाज वंस वॉकिंग डाउन अ नैरो स्ट्रीट। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम एंड्रयू था, वो एक पतली सी गली से होके जा रहा था। नियर हिज फार्म हाउस, उसके खलिहान के पास जहाँ पर खेती से गृहस्थी से संबंधित काम करते हैं, ही सॉ अ बिग अट्रैक्टिव साइन बोर्ड सेइंग पपीज फॉर सेल। यानी पपीज मीन्स कुत्ते के बच्चे। यानी कि रास्ते में उसका जो फार्म हाउस था जहाँ पर जानवरों मवेशियों को या अनाज को लोग रखते हैं, उस रास्ते में उसने एक बोर्ड लिखा हुआ देखा जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर कुत्ते के बच्चे बेचने के लिए हैं। हिज जॉय नीव नो बाउंड, उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फॉर क्वाइट सम टाइम, और बिल्कुल कुछ देर के लिए, He had been looking for a pig. यानी पिछले काफ़ी लंबे समय से, कुछ समय से वो एक पालतू जानवर रखने के लिए सोच रहा था। He quickly checked his pocket. तुरंत उसने अपने जेब को टटोला। He was happy when he found that he had enough money to buy a puppy. तब उसको इस बात को लेकर बहुत खुशी हुई कि उसके पास पर्याप्त पैसे थे कि वह कुत्ते के बच्चे को खरीद सके। ही रीच द एड्रेस रिटेन ऑन द साइन बोर्ड। साइन बोर्ड पे जो एड्रेस था उस पते पर वो पहुंचा। ही रिक्वेस्टेड द डॉग मास्टर टू शो हिम ऑल द पपीज दैट वेर फॉर सेल। उसने अपने मास्टर से, डॉग के जो मास्टर थे, जो मालिक था, उससे अनुग्रह किया कि उसके पास जितने भी कुत्ते के बच्चे हैं जिसको बेचना चाहता है सबको दिखाए। The master whistled and called out the names of the puppies. यानी जो मालिक था कुत्तों का, उसने सीटी बजाई और कुत्तों के बच्चों के नाम लेकर पुकारे। Five plump furry puppies came running out of the kennel. कैंडल यानी कुत्ता घर, जो लकड़ी का बना होता है जिसमें कुत्ते रहते हैं। जैसे उसने आवाज़ लगाई, पांच गोल मटोल और दोहेदार कुत्ते के बच्चे वहाँ दौड़ते हुए आए। एंड्रयू कुड नॉट हाइड हिज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। एंड्रयू अपने खुशी के एहसास को छिपा नहीं सका। हिज आईज ओपेंड वाइड विथ हैप्पीनेस, उसकी आंखें खुशी से खुली रह गई। सडनली ही नोटिस्ड अ ब्लैक पप्पी फॉलोइंग द अदर फाइव पप्पीज। अचानक उसे एक काले रंग का कुत्ते का बच्चा, जिसको हम लोग पिल्ला भी कहते हैं, उसे दिखाई दिया और देखा। It was a little smaller in size. यानी कि वह आकार में थोड़ा छोटा था।
द पप्पी रैन स्लोली टूवर्ड्स हिम, जो वो कुत्ते का बच्चा था पप्पी उसके पास धीरे धीरे दौड़ते हुए आया। एंड्रयू नोटिस्ड दैट इट हैड अ लिम्प। एंड्रयू ने ध्यान दिया कि उस वो एक पैर से लंगड़ा था, नहीं वो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। इट वॉज ट्राइंग हार्ड टू कैच अप विद अदर्स, वो दूसरे के साथ साथ चलने के लिए बहुत कठिन मेहनत कर रहा था। एंड्रयू मेड अप हिज माइंड टू बाई दैट ब्लैक पप्पी। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि एंड्रयू ने अच्छे कुत्तों के बजाय उस लंगड़े कुत्ते को खरीदने का मन बना लिया। द मास्टर थॉट दैट एंड्रयू हैड नॉट मेड राइट चॉइस, तो जो कुत्ते का मालिक था कुत्तों का, उसने ये सोचा कि ये एंड्रयू की पसंद सही नहीं है। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टॉप हिम फ्रॉम बाइंग दैट ब्लैक पप्पी, उसने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि वो काले रंग का पप्पी जो लंगड़ा के चल रहा था वो नहीं खरीदे। ही सेड द पप्पी इज हैंडीकैप्ड, ये जो कुत्ते का बच्चा है वो हैंडीकैप्ड है, यानी अपंग है, एक पैर से लंगड़ा है। इट विल नेवर बी एबल टू प्ले विथ यू लाइक द अदर पप्पीज, वो दूसरों के साथ खुशी से नहीं खेल सकता है। एंड्रयू काइटली रोल्ड अप अ लेग ऑफ हिज ट्राउजर, एंड्रयू ने अपने एक पैर के पैजामे को, ट्राउजर को मोड़ते हुए ऊपर उठाया। ही शोड द डॉग्स मास्टर हिज वुडन लेग, और उसने अपना लकड़ी का पैर या नकली पैर उस कुत्तों के मालिक को दिखाया, यानी कि एंड्रयू का खुद अपना पैर एक नकली था, लकड़ी का बना हुआ था, यानी कभी हादसे में उसका पैर टूटा हो या जो भी हो। देन ही लुक्ड एट द मास्टर, तब उसने उस मालिक की तरफ देखकर कहा, स्माइल एंड सेड, और मुस्कुराया और तब कहा, आई आल्सो कैन नॉट रन वेरी वेल, मैं भी बहुत तेज नहीं दौड़ सकता, श्योरली द पप्पी विल मीट समवन हु अंडरस्टैंड, तो सचमुच इस पप्पी को भी कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो इसके दुख को समझ सके कि जितनी परेशानी वो झेल रहा है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपको भूख लगती है उस तरह से आपको दूसरे के भूख का भी एहसास करना चाहिए, जिस तरह से हमें प्यास लगती है उस तरह से हमें दूसरों के प्यास का भी अनुभव करना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया में प्यार की जगह नफरत फैल जाएगा और कोई किसी के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।